पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र नाहटा का मंदसौर में बड़े ही धूमधाम के साथ जन्मदिन मनाया गया। उनके जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने पहले से ही विशेष तैयारियां कर रखी थी। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी भी की। वहीं INC 24 न्यूज की टीम ने इस जन्मदिन के अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र नाहटा से बात की, जिसमें उन्होंने प्रदेश के विकास सहित भाजपा सरकार को लेकर लोगों के मन में भरे गुस्से के बारे में जिक्र किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र नाहटा के जन्मदिन पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने विशेष तैयारियां की थी। नाहटा ने यहां कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर केक काटा और सभी से मिले, स्नेह के लिए धन्यवाद दिया। वहीं INC 24 न्यूज की टीम ने जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूर्व केंद्रीय मंत्री नाहटा से चर्चा कर आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रदेश के मिजाज को समझने की कोशिश की। आज मैं मंदसौर की एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करना चाहूँगी जिनके काम ने हमेशा उनके नाम को रोशन किया है। जी हाँ, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मैं बात कर रही हूँ श्री नरेंद्र जी नाहटा जी। सबसे पहले सर, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम सब लोगों के दिलों में आज भी आपका काम बना हुआ है, मुझे भी आपको जन्मदिन याद दिया। हम लोग आज मंदसौर का जनता का थोड़ा दिल देख रहे थे कि लोकसभा आने वाले जो चुनाव हैं उसके लिए जनता के दिल में क्या चल रहा है, तो हमने सोचा इसी अवसर पर हम आपसे भी पूछ लेते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव को आप किस तरह देखते हैं। अभी राज्य सरकार में तो बदलाव आया है और केंद्र सरकार बनी है, तो आपको क्या लगता है ये चुनाव? मैं समझता हूँ कि जो राज्य सरकार में बदलाव आया जी और जनता ने जो जनादेश मिला वो कांग्रेस को मिला इस प्रदेश में, तो उसका बड़ा कारण केंद्र सरकार के प्रति नाराज़गी भी रहा है और मुझे लगता है कि वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से अभिव्यक्त होना चाहिए लोकसभा चुनाव में और बदलाव वहाँ भी आना चाहिए। चलिए तो सर, यदि मैं आपसे बात करूं कि जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो क्या सरकार किसी की भी आए, आपको क्या लगता है कि आने वाली सरकार को इस देश को एक अलग और नई दिशा या नई तरक्की देने के लिए किस दिशा में क्या काम करना चाहिए? मैं तो सोच रहा हूं कि इस देश को पीछे ले जाएंगे, जो कुछ इन 5 सालों में हुआ है और वो ये हुआ कि समाज में दुराव बढ़ा, आपस में दूरियाँ बढ़ी, हमारी संस्थाएँ कमज़ोर हुई। इस देश का प्रजातंत्र किस बात पर मजबूत हुआ, तो हम समझेंगे कि इस देश में राजनीति से अलग हटकर हमारी इंस्टीट्यूशंस थी जिनको हमारे पूर्वजों ने बनाया, हमारी जुडिशरी थी, हमारा इलेक्शन कमीशन था, हमारा कैग था, इस तरह की जो हमारी संस्थाएं थी वो संस्थाएं कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों से इन सालों में कमजोर हुई। 70 सालों का प्रजातंत्र इस बात पर मजबूत हुआ कि हमारे यहाँ सामाजिक समरसता रही, हमने हर धर्म का सम्मान किया और हर धर्म के मानने वाले के साथ प्रेम किया। हम इस ये जो हमारी ताकत थी ये बहुत कमज़ोर हुई है इन वर्षों में, तो मैं तो कहता हूँ इस देश को पीछे ले जाओ और देश को वहाँ ले जाओ जहाँ इस देश ने ताकत लेकर इस देश के प्रजातंत्र को दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र बनाया और दुनिया से बढ़ती और सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। यहाँ आपने जाना कि सर का क्या कहना पड़ रहा है आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव 2019 के लिए, और इसी के साथ मैं आपको इस प्रोग्राम से विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू।